जहां स्वराज इंडिया के नेता और वकील प्रशांत भूषण ने एक बार फिर जहर उगला है। उन्होंने यूपी की योगी सरकार की एंटी रोमियो मुहिम की आलोचना करते हुए ऐसा ट्वीट किया जिसको लेकर नया विवाद पैदा हो गया। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण ने शेक्सपियर के एक नाटक के पात्र रोमियो और भारत के पौराणिक किरदार भगवान श्री कृष्ण की आपस में तुलना कर दी। ट्वीट में प्रशांत भूषण ने लिखा कि रोमियो ने अपने जीवन में केवल एक ही लड़की से प्यार किया, जबकि कृष्ण तो कई लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के लिए प्रसिद्ध है। क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इतनी हिम्मत करेंगे कि वे अपने मुस्तैद दस्ते का नाम एंटी कृष्ण स्क्वाड रख सकें? बीजेपी ने प्रशांत के इस ट्वीट पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि कृष्ण को समझने में प्रशांत भूषण को कई जन्म लेने होंगे। कृष्ण को राजनीति में घसीट कर लाना शर्मनाक है। वैसे प्रशांत भूषण जहरीली बयान देने में काफ़ी माहिर माने जाते हैं। वो देशद्रोहियों की भी वकालत कर चुके हैं। यहां तक कि भारतीय सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में मारे गए हिजबुल कमांडर की मुठभेड़ पर वे सवाल खड़े कर चुके हैं।